नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगी या घटेगी या वही रहेगी। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि एक वीडियो में आप बताते हो कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ जाती है, दूसरे में कहते हो कि करंट कम हो जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कहाँ बढ़ जाती है और कहाँ कम हो जाती है। यहाँ पर हमने एसी सप्लाई में एक लोड लगा रखा है आर। इस आर की वैल्यू है 1 ओम। इस आर के एक्रॉस वोल्टेज है वी और इसमें जो करंट बह रही है वो आई है। तो वी बाई आई बराबर होता है आर। ये ओम्स लॉ है। अब अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है तो इसमें 10 एम्पियर करंट बहेगी और 10/10 एक ओम आएगा। अगर हम वोल्टेज बढ़ा दें 10^20 कर दें तो करंट भी बढ़ जाएगी, मगर वी बाई आई 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई 20 एम्पियर अभी भी एक ओम आएगा। अगर इस वोल्टेज को हम आधा कर दें तो करंट भी आधी हो जाएगी और ये रेशियो अभी भी एक होगा क्योंकि आर एक ओम है। तो जब ये रेजिस्टेंस या लोड फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू का होता है, तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाती है, वोल्टेज कम करने से करंट कम हो जाती है और ओम्स लॉ हमेशा फॉलो होता है। अब मान लीजिए हमने सप्लाई और लोड के बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब जब हम ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करते हैं तो हम पावर का फार्मूला लेते हैं। पावर होती है वी इंटू आई। अगर यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ की करंट होगी। अगर यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ की करंट होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है जैसे कि अभी था और उसमें 10 एम्पियर करंट बह रही है, आई 10 एम्पियर है, यहाँ पे भी 10 एम्पियर थी, तो पावर कितनी हो गई, 10 × 10 100 वाट। रेजिस्टेंस 1 ओम है वही, तो 10 वोल्टेज और 10 करंट मल्टीप्लाई होके 100 वाट आ गया। ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। हम मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है इस साइड में, इस साइड में वोल्टेज 10 की जगह 50 वोल्ट हो गया। अब क्या होगा, चूंकि पावर वही है, यहाँ भी 100 वाट यहाँ भी 100 वाट, ऐसा नहीं होता कि पावर यहाँ पे 100 वाट बह रही यहाँ पे 150 हो गई या 50 हो गई, तो पावर वही रहेगी। वोल्टेज 10/50 हो गया तो करंट को कम होना पड़ेगा, तो करंट यहाँ कम हो गई। वोल्टेज 10/50 हो गया, करंट 10/2 हो गई, अभी भी 50 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर 100 वाट आएगा। हम मान लीजिए वोल्टेज और बढ़ गया, 100 वोल्ट हो गया, तो करंट और कम हो जाएगी और वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन इस फार्मूले से पावर आएगी। देखिए अभी भी ये फार्मूला फॉलो हो रहा है, ये भी ओम्स लॉ से आया है, मगर इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ रही थी, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम हो रही है। उसका कारण यह है कि हम ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन कर रहे हैं सेकेंडरी और प्राइमरी में। जब ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तो पावर वही रहती है, और पावर वही रहती है तो प्राइमरी का वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा प्राइमरी में करंट उतनी कम होगी, मगर सेकेंडरी का वोल्टेज और करंट नहीं चेंज होगा। अगर इसका टर्न रेशियो हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे और ज़्यादा कर देते हैं इसको कांस्टेंट रखते हुए, तो यहाँ पे करंट कम होती जाएगी। यहाँ पे वोल्टेज जितना बढ़ता जाएगा करंट यहाँ पे उतनी कम होती जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस फिक्स होता है और हम रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं तब वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ती है और फार्मूला लगाते हैं R = V/I। लेकिन जब हम ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करते हैं तब हम पावर मन में सोचते हैं कि इधर की पावर और इधर की पावर एक है
उस समय वी और आई का मल्टीप्लिकेशन वही रहता है, तो वोल्टेज बढ़ने से करंट कम होने लगती है। तो ये फार्मूला भी काम कर रहा है और साथ में ये भी काम कर रहा है, दोनों फार्मूले काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यूपीएस दिखाई है जिसका इनपुट एसी है और ये एक बैटरी चार्ज कर रहा है। तो जो यूपीएस होते हैं और अच्छी क्वालिटी के, वो करंट को फिक्स कर रखते हैं। अगर उन्हें चेंज करना होता है फिर भी फिक्स होती है कि कभी 10 एम्पीयर कर दी, कभी 5 कर दी। ये वोल्टेज कम ज़्यादा होने से या बैटरी का वोल्टेज कम ज़्यादा होने से ये करंट चेंज नहीं होती। तो इस केस में वोल्टेज बढ़ने से करंट ना तो बढ़ती है, वोल्टेज कम होने से करंट ना कम होती है बल्कि फिक्स रहती है। मगर ओम्स लॉ अभी भी फॉलो होता है, वी बाई आर इक्वल टू आई। अब वोल्टेज बढ़ गया, करंट वही है, तो कैसे काम बनेगा? एक ही तरीका है कि आर बढ़ा दें। तो ये क्या करता है यूपीएस, इसके अंदर जो ड्राफ होता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बदलता रहता है, और इस तरह बदलता है कि यहाँ करंट कांस्टेंट रहे। अभी हमने एक सिंपल चार्जर दिखाया है, इसमें ये एसी सप्लाई है, ये रेक्टिफायर है, उसमें आप एक रजिस्टर लगा देते हैं और ये चार्ज होती है। यहाँ पे भी ओम्स लॉ फॉलो होता है, यहाँ पे जो करंट है इस रेजिस्टेंस की वजह से कंट्रोल होती है। मगर होता क्या है कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फिक्स हो तो वोल्टेज बढ़ने पर करंट भी बढ़ जाती है। ये फार्मूला हमेशा फॉलो होता है। हमने अभी तक आपको तीन चीजें बताई। पहला बताया कि इस केस में वोल्टेज बढ़ने या कम होने से करंट ना बढ़ती है ना कम होती है, करंट वही रहती है। दूसरा हमने बताया था आपको कि जब रेजिस्टेंस फिक्स है और रेजिस्टेंस के क्रॉस कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज कम करने से करंट कम हो जाएगी। तीसरा हमने बताया था कि जब ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन करते हैं तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी और प्राइमरी में पावर वही रहती है, पावर फिक्स रहती है। उस समय वी इंटू आई पावर होता है और वोल्टेज बढ़ने से करंट कम हो जाती है। ये प्राइमरी में होता है ऐसा, यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट कम होती जाएगी, पावर वही रहेगी। अब हम आपको इस पावर के बारे में कुछ बातें और बताएंगे। देखिए यहाँ पे कोई इक्विपमेंट है जिसमें ये इनपुट सप्लाई है और यहाँ आउटपुट में लोड लगा है और ये ओम्स लॉ है, ये हमेशा फॉलो होगा। अब यहाँ जो पावर बह रही है वो पी है, यहाँ पे जो पावर है वो लोड पावर है, हमने लिखा है पी लोड। और एक पावर और होती है जिसको बोलते हैं पी लॉस, मतलब इसके अंदर जो लॉस हो रहा है। तो यहाँ जो पावर फ्लो हो रही है प्लस ये पावर पी लोड प्लस पी लॉसेज हियर, ये बराबर होती है इनपुट पावर के। अब ऐसा हो सकता है कि आपका लोड फिक्स रहे मगर यहाँ पे पावर चेंज होती रहे, ये फिक्स होगा ये चेंज होगी, वो तब होता है जब इसके अंदर लॉसेस कम ज़्यादा होने लगते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा होने लगे तो इस इक्विपमेंट के लॉसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, उस समय पावर का फार्मूला ये होता है, पावर लॉस प्लस पावर लोड। अब मान लीजिए ये जो इक्विपमेंट है वो मोबाइल चार्जर है, तो मोबाइल चार्जर का ये इनपुट है और ये आउटपुट है जहाँ पे मोबाइल लगा होता है, और ये जो अंदर पूरा है ये है। आपने देखा होगा चार्जर में आउटपुट पावर तो इसमें बहुत कम लिखी होती है लेकिन इनपुट पावर बहुत ज़्यादा लिखी होती है, ये दोनों बराबर नहीं होते, ये ज़्यादा होती है। क्यों?
पावर लॉस की वजह से, इसके अंदर पावर लॉस होता है वो भी इनपुट से पावर आती है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है अलग से, वो आप देख सकते हैं। अब ये इक्विपमेंट क्या है मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे बैटरी चार्जर, यूपीएस, फैन, मोटर, इंडक्शन हीटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, बल्ब, कुछ भी यहाँ लगा हो ये ओम्स लॉ हमेशा फॉलो होगा। अगर आपको लग रहा है ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि ओम्स लॉ गलत है, ओम्स लॉ हमेशा सही होता है। हमारी नॉलेज कम होती है, हमें सीखने की ज़रूरत है, उस समय आप उसको सीखें, ये हमेशा सही होगा। अब कई जगह क्या होता है, जैसे मोटर में, इंडक्शन हीटर में, वैक्यूम क्लीनर में, मशीन में, वहाँ आर तो नहीं लगा होता, कभी आपने आर देखा है? वो हवा का लोड होता है या पानी का लोड होता है या कुछ और लोड होते हैं, बल्ब में होता है यार। तो उन सब का कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, उसके हिसाब से उसमें पावर बहती है, पी लोड प्लस उसमें लॉसेस होते हैं, ये टोटल पावर आती है, ठीक है। अब जैसे बल्ब के केस में आपने देखा होगा, इसमें भी कुछ लोगों ने कई बार हमसे पूछा है कि ये फार्मूला फॉलो नहीं हो रहा है, हमेशा फार्मूला हमेशा फॉलो होता है। क्या होता है बल्ब के केस में, जब बल्ब कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तो इस आर की वैल्यू बहुत कम होती है, आर कम होने से आई बढ़ जाता है। लेकिन जब बल्ब जल जाता है तो बहुत गर्म हो जाता है, तो उसके आर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो करंट कम हो जाती है। इस वजह से ऐसा होता है क्योंकि यहाँ आर की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, आपको लगता है कि फार्मूला नहीं फॉलो हो रहा, फार्मूला हमेशा फॉलो होता है। आप आर यहीं समाप्त करते हैं।